और कांग्रेस, जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया, आज से यूपी में अपना चुनावी बिगुल फूकने जा रही है। सोनिया और राहुल गांधी बस यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय से इस हरी झंडी को दिखाकर बस को रवाना किया जाएगा। 27 साल यूपी बिहार के नाम से 3 दिवसीय बस यात्रा के कार्यक्रम में सुबह 10:30 बजे हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया जाएगा। आपको बता दें, इस यात्रा में गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर, शीला दीक्षित मौजूद रहेंगी, संजय सिंह, प्रमोद तिवारी, प्रदीप माथुर भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के गाजीपुर में थोड़ी देर ये बस और यात्रा रुकेगी। पार्षद छोटे लाल के घर भी जाएंगे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। परिजनों से मिलकर सांत्वना देने का काम कांग्रेस के नेता करेंगे। गाजियाबाद में पार्षद छोटे लाल की शुक्रवार को हत्या हुई थी, आपको पता ही है। तो आज से 3 दिवसीय यात्रा शुरू होने जा रही है कांग्रेस की। राहुल डबास मेरे सहयोगी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या कार्यक्रम है और दिल्ली से कब रवाना होने वाली है बस? देखिए घनश्याम, तकरीबन आधे घंटे बाद दिल्ली में जो कांग्रेस मुख्यालय है 24 अक्टूबर वहां से रवाना होगी। अगर आज के पड़ाव की बात करें तो दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से हापुड़, और उसके बाद अगर बात की जाए आज शाम का जो कार्यक्रम है वो मुरादाबाद तक जाएगा, जिसके बाद आने वाले 3 दिनों में पूरी यात्रा कानपुर तक जाएगी। 27 साल हो गए हैं जब यूपी में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, तो इसका जो पूरी रथ यात्रा का मुहिम रखी गई है वो यही है कि 27 साल यूपी बिहार यानी कुल मिलाकर यूपी में कांग्रेस की सरकार बने 27 साल हो गए, और उन्हें उम्मीद है कि 27 साल के बाद अब यूपी में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसी नाते पूरी जो टीम है जो यूपी में काम करी, जो शीला दीक्षित की बात करें, गुलाम नबी आजाद की बात करें, तमाम वो चेहरे राज बब्बर समेत यहाँ पर होंगे, और कोशिश इस बात की होगी कि इस यात्रा के जरिए दिल्ली और कानपुर के बीच में जितने डिस्ट्रिक्ट बनते हैं वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया जाए। बहुत शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे।